कॉलेज से MBA इन फाइनेंस करना कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। उस MBA घर वालों से पैसे भी नहीं ले सकते, तो जैसे भी हो जो भी हाथ में आती हो जॉब बस ले लो। द वॉल स्ट्रीट स्कूल, वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन हेल्पिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम टियर 2 एंड टियर 3 कॉलेजेस मेक अ ट्रांजिशन इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। अपॉर्चुनिटी एक ही दिन आती है, वो कब आएगी आपको भी नहीं पता। इंडिया में टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस से MBA इन फाइनेंस करना कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है और इंक्लूड सेंस एक बहुत बड़ा मजाक है। ओपन सीक्रेट है, प्लेसमेंट्स कहां होती हैं? आप कासा सेल कर दो, आप इंश्योरेंस सेल कर दो, आप म्यूचुअल फंड सेल कर दो, आप डीमैट अकाउंट सेल कर दो, या स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में डीलर की जॉब ले लो। कहां की MBA और कहां ही फाइनेंस, कुछ भी सेल करते हैं, कुछ कहीं पर भी प्लेसमेंट्स करा देते हैं इसी तरह की प्रोफाइल्स में। हो सकता है मुझे ट्रोल भी करें इस वीडियो के बाद, लेकिन आई एम सेइंग दिस विद एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी कैंडिडेट्स हु कम टू अस हु आर MBA इन फाइनेंस फ्रॉम टियर 2 और टियर 3 कॉलेजेस, जो वॉल स्ट्रीट स्कूल में आते हैं कंप्लीटली डिससैटिस्फाइड विद द जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वही सेलिंग एंड मिसलिंग। ऊपर से एजुकेशन लोन भी लिया होता है, उस MBA घर वालों से पैसे भी नहीं ले सकते, तो जैसे भी हो जो भी हाथ में आती हो जॉब बस ले लो, ये वाला प्रेशर होता है। जब आप काम करना शुरू कर देते हैं, जब आपके अंदर अपना की आवाज आती है कि यार हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में MBA इन फाइनेंस होने के बाद, तो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल और एक डेस्परेशन लेवल आता है और लगता है कि यार इज इट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि या फिर हम इतने मीडियोकर हैं क्योंकि हम टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस से हमने MBA इन फाइनेंस किया कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। क्या हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या कॉर्पोरेट फाइनेंस में करियर नहीं बना सकते? ऐसा नहीं है। फीलिंग्स आती है ना कि ये जो मेरा ख्वाब है आंखों का हिस्सा क्यों नहीं होता, दिया तो हर घर में जलता है, मेरे यहां उजाला क्यों नहीं होता। आती है ना ऐसी फीलिंग अगर हमने कॉम्प्रोमाइज्ड MBA किया हो इन टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में। देखिए अगर कॉलेज टॉप का नहीं है तो डिफिकल्ट तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है। एक प्लान तरीके से अगर आप स्ट्रेटेजिकली मूव करेंगे सो वी ऑल कैन be part of good quality finance jobs. With the right approach and dedication we all can, and there are some steps that you can take to increase your chances. So kya kare agar hame core finance profile mein jana hai, agar hamara MBA in finance tier 2 ya tier 3 colleges se hai, is video mein samajhte hain. Pehli cheez, build a strong foundation that is non-negotiable. Ensure you have solid understanding of finance and accounting. Take relevant courses yaar alag se college ke beyond certifications lijiye and participate in finance related events in your college. Aap financial modeling kijiye, valuation seekhiye, practical cheeze seekhiye. There is a lot of disconnect in terms of theoretically jo aap padhte hain and practically jo aap karte hain. To kafi sare courses hote hain jisme aap ye gap bridge kar sakte hain. Second, networking. Networking is crucial in the finance industry. Attend industry events, seminars and workshops. Connect with professionals in investment banking through LinkedIn or alumni of your college if at all there are. Ask your college about it. Teesri cheez, internships. Secure internships in finance related roles during your college years. Ho sakta hai aapka college aapko kahin par bhi internship dila de ki ya sales mein chalo internship karo 2-3 mahine ka jo aapko April aur May ke time par dena hota hai. To isme aap ekdam compromise mat kijiyega. मतलब अपने से खुद से एफर्ट कीजिए, स्टार्ट अप्लाइंग टू बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ईमेल देम, रीच आउट टू देम ऑन लिंक्डइन, इवन इफ इट इज नॉट डायरेक्टली इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, इक्विटी रिसर्च और फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी योर वैल्यूएबल एसेट एंड इट विल हेल्प यू मेक योर रिज्यूमे स्टैंड आउट। नेक्स्ट इज प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज, क्योंकि कभी भी अपॉर्चुनिटी एक ही दिन आती है वो कब आएगी आपको भी नहीं पता, तो एकदम से सिमुलेटिवली अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंक्स टिपिकली कंडक्ट रिगरस इंटरव्यूज, सो प्रिपेयर थॉरली बाय प्रैक्टिसिंग योर टेक्निकल क्वेश्चंस, केस स्टडीज एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस। शोकेस योर पैशन फॉर फाइनेंस एंड योर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज कंसिडर एडिशनल क्वालिफिकेशंस। आप अपने MBA इन फाइनेंस के साथ साथ जो कर रहे हैं focus on international certifications and qualifications like CFA, like FRN, like ACCN, yes, CMA, which are internationally recognized, which will definitely have some weightage in your CV. आप CFA level 1, level 2 की तैयारी साथ के साथ कर सकते हैं अपने MBA के साथ।
आप FRM कर सकते हैं या ACCA के भी कुछ पेपर्स दे सकते हैं। काफी सारे कॉलेजेस के साथ एग्जम्पशन भी होता है ACCA के एग्जाम के साथ, या फिर CMAT भी कर सकते हैं बिकॉज उसमें सिर्फ दो ही पेपर्स देने होते हैं। दीज सर्टिफिकेशंस विल ऐड क्रेडिबिलिटी टू योर रिज्यूमे एंड डेमोंस्ट्रेट योर कमिटमेंट टू द फील्ड एंड दिस विल फर्दर सब्सटेंशिएट योर क्रेडेंशियल्स। Next is you got to be staying informed about whatever is latest happening in the industry trends, या mergers या acquisitions कुछ हो रहे हैं या latest market developments कुछ हो रहे हैं। So you know, as it's a good advice, you know, it's good to subscribe to financial publications, follow influential figures in finance, and join online communities related to investment banking or corporate finance. And once you start applying, strategically apply कर देखिए। Target smaller or boutique investment banks which may have a less stringent hiring criteria compared to the bulge bracket firms. So, वहाँ पर experience लो front end, build your profile and substantiate your credentials by doing those qualifications and then aim for the larger firms. I mean, while getting into investment banking from tier 2 and tier 3 college may require extra effort, but it is doable and it's achievable with determination, networking and continuous skill development. So, कहना चाहूँगा कि रात को वक्त दो गुजरने के लिए, सूरज अपने ही समय पर निकलेगा। एंड इन द वॉल स्ट्रीट स्कूल वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन हेल्पिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम टीयर टू एंड टीयर थ्री कॉलेजेस टू मेक इट ट्रांजिशन इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस हु हैव डन देयर एमबीए इन फाइनेंस बट दे आर नाउ सॉर्ट ऑफ हैव यू नो सीन दोस यू नो फाइनेंस के नाम पर जो वो सेलिंग सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल्स में रहते हैं। And for more elaborate information, visit www.thewallstreetschool.com and also specifically look into the placement page on our website with a live update of different people getting placed in different companies.